हेलो, क्या? ओके, तुमने जो वीडियो अपलोड की थी वो टीवी पे दिखाई जा रही है। मशहूर बिजनेसमैन समीर की बेवा ने कुछ देर पहले ट्वीट की है और उनका कहना यह है कि उनके शोर के कत्ल में मशहूर बिजनेसमैन दानिश और नादिर अली का भी हाथ है। और यही नहीं, साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें फांसी के मुजरिम उमर का एतराफ है। मेरा नाम उमर है और मैं दानिश साहब का खास आदमी हूँ। मैंने दानिश साहब के कहने पर काफ़ी कत्ल किए और समीर साहब को भी मैंने कत्ल किए और मैंने अदालत में उनका इल्ज़ाम भी अपने सर पर लिया। अब तक 50 लाख से ज़्यादा लोग ये वीडियो इंटरनेट पर देख चुके हैं और उनमें गुस्से की लहर है। जो कुछ होना था वो हो चुका अंकल। अब आप ये सोचे कि करना क्या है। जितने न्यूज चैनल्स पर ये खबर चल रही है, रोको उनको, कैसे भी हो ये खबर गलत साबित होनी चाहिए। अंकल, ये मीडिया रिपोर्टर्स, ये अखबार वाले, न्यूज वाले, ये अभी इतना इस खबर को चला रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ये भूल जाएंगे किसी नई खबर पर। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम चलेंगे। नायला ने ये सब देख लिया है और अगर उसे पता चल गया कि ये खबर सच्ची है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप नायला को संभालिए, मैं देखता हूँ कि इसके पीछे है कौन। अरे कैसे परेशान ना हो, उसका बयान तमाम न्यूज चैनल्स पर चल रहा है। आखिर वो वहां पहुंची कैसे? मैंने कहा ना नादर अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो वरना भूल जाओ निकाह। Very nice, Dad. Very nice. इतनी ज़्यादा planning. I must really admire you. I can't believe you, Dad. How can you do this? What the hell is wrong with you, Dad? शहरियार मुझे बोलता रहा और मैं I'm such a fool. ये खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैलती जा रही है। सोशल मीडिया, टीवी चैनल सब बार बार ये न्यूज दिखा रहे हैं। इस वीडियो को रोकना बहुत जरूरी है वरना पानी सर से ऊपर भी हो सकता है। शेरा, अपने साथ कुछ बंदे लो और उसे मार दो। मुझसे ये दर्द अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इससे तो बात और बिगड़ सकती है। इस तरह आपको बचाना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा कोई भी कदम उठाने से गुरेज कीजिए जिससे हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ जाएं। मैडम, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई और आपने वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों डाली? कत्ल और फांसी के मुजरिम का बयान आप तक कैसे पहुंचा? क्या जेल के अमला भी आपके साथ मिले हुए हैं? मैडम, आपने लिखा है कि आपको इंसाफ नहीं मिला जबकि इस केस का फैसला 10 माह पहले हो चुका है। देखिए आप लोग प्लीज सब मेरी बात सुने। मेरे शौहर और वालिद का कत्ल दानिश ने करवाया है, उसके साथ साथ उसका पार्टनर नादिर और प्रॉपर्टी डीलर और एसपी, मोहल्ले का एसपी भी शामिल था। आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है कि ये वीडियो जबरदस्ती नहीं बनी? मेरे पास जो भी सबूत है अब वो मैं अदालत में ही पेश करूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं नहीं रुकूंगी, बल्कि मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। मैम एक जवाब दो। मैम प्लीज बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मैम प्लीज। अम्मी मेरी बात तो सुने। आलिया चलो चलो अंदर जाओ। इसलिए जाती थी ना खाला के घर। हाँ शहर यार के साथ मिलकर किया है ना ये सब, उसी ने दिमाग खराब किया है ना तुम्हारा। ठहर जाओ, अभी मैं तुम्हारी खाला को फोन करती हूँ। मम्मी प्लीज, शहरयार ने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ करते हुए एक दफा भी तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया। अगर तुम्हें कुछ हो गया हमारा क्या होगा, तुम्हारी बच्ची का क्या होगा, सोचो जरा सोचो। अम्मी ये सब मैं उसी के लिए तो कर रही हूँ, उसी का तो सोच के मैंने ये सब किया है। कल जब वो बड़ी हो जाएगी, जब उसको ये सब मालूम पड़ेगा तो कम से कम उसको फख्र तो होगा कि उसकी माँ ने उसके हक के लिए लड़ा, उसके बाप के कातलों को उसने जेल तक पहुंचाने की कोशिश तो की। आप नहीं समझेंगी। इस लड़की की समझ में कुछ नहीं आएगा। पता नहीं कल का सूरज क्या आफत लाएगा इस घर पर। जी तो वकील साहब क्या लगता है आपको? रानी साहब ऑफर तो अच्छी दी है नादिर साहब ने, और ये प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ हमें काफ़ी फ़ायदा देगा। अरे वकील साहब क्या हर वक्त फ़ायदों की बात करते रहते हैं। मैं नाहिरा से शादी के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप अब भी उसी बारे में सोच रहे हैं? अब भी क्या यार, मैं तो हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता हूँ। उसका ख्याल मेरे जहन में घूमता रहता है लेकिन ऑनेस्टली पूछे तो मेरा दिल चाहता है कि जैसे उसका ख्याल मेरे जहन में घूमता रहता है ना, उसी तरह वो मेरे घर में मेरी नजरों के सामने बस घूमती रहे फिरती रहे, मैं उसे देखता रहा। मान गए रानी साहब आपको, भाई कमाल का नसीब पाया आपने। जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। नसीब नहीं, दिमाग वकील साहब। जिसके पास दिमाग होता है ना वो अपना नसीब खुद बना लेता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भाई हमारे होने वाली भाभी पहले तो बहुत भाव खाती थी, और अब आपकी ही नहीं आपके दोस्तों की भी इज्जत करेगी वो। नहीं, ऐसा नहीं करेगी वो। क्या मतलब? वकील साहब कुत्ता अपना हो ना तो उसका मालिक ही उसकी दुम ठीक कर सकता है या फिर कटवा सकता है, लेकिन औरत की जुबान अगर टेढ़ी हो तो ना वो सीधी हो सकती है और ना ही कटवाई जा सकती है। बड़ा मजा आने वाला है, देखते हैं जीत किसकी होती है, उसकी या मेरी। समीर कत्ल केस में कोर्ट का रद्द अमल, आज की ताजा खबर। समीर कत्ल केस में कोर्ट का रद्द अमल, आज की ताजा खबर। चलो चलो चलो, आज की ताजा खबर। समीर कत्ल केस में कोर्ट का रद्द अमल, आज की ताजा खबर। आयशा। जी अम्मी बोले। ये अखबार देखा है तुमने? क्यों, ऐसा क्या है इसमें? क्यों अपने मरे हुए बाप और शौहर का तमाशा लगा रही हो तुम? ये देखो, मेरा नहीं अपना नहीं तो अपनी बच्ची का ही कुछ सोचो। आयशा वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अम्मी उनसे ज्यादा खतरनाक खुदा का अजाब होता है जो उन लोगों पे आता है जो दूसरों का हक मारते हैं या फिर जुल्म के आगे अपना सर झुका देती। आयशा पास आजा, आयशा वो लोग बहुत खतरनाक है, मुझे डर लगता है। कि अम्मी अगर आप मुझ पे यकीन रखेंगी तो आपको डर नहीं लगेगा बल्कि फखर होगा। और मैं किसी का तमाशा नहीं बना रही बल्कि समीर को और बाबा को इंसाफ दिला रही हूँ जो मैं दिला कर ही रहूंगी। कौन लड़ेगा तुम्हारा केस? वो शहर यार जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता है। क्या समझ रही हो तुम? या फिर किसी और वकील पे अपना पैसा बर्बाद करोगी? इस बार मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगी। आयशा, आयशा तुम पागल हो गई हो क्या? अम्मी आप आलिया को स्कूल से उठा लीजिएगा, मैं निकल रही हूँ। या अल्लाह, इस शहरयार ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। शहरयार, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अम्मी आप जिद क्यों कर रही हैं? मैं जिद मैं नहीं कर रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। मेरी माँ हूँ मैं तुम्हारी। क्या चाहती हैं आप कि मैं डर के मारे घर बैठा रहा हूँ? आखिर आप उनसे इतना क्यों डरती हैं? उनसे नहीं डरती मैं, तुम्हें कुछ ना हो जाए इस बात से डरती हूँ। और ये घर बैठे बिठाए ये नया तूफान क्या खड़ा कर दिया तुमने? अमीन, परेशान मत हो, बस दुआ करें कि मैं कामयाब लौटूं। वो ठीक है, पर तुम कहाँ जा रहे हो? FIR दर्ज करें। लेकिन सर वो ठीक है, तुम इनकी FIR दर्ज करो। मैंने आपसे कहा था FIR इसी पुलिस स्टेशन से दर्ज होगी। आपने एक आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन आज सारा मुल्क जुल्म के खिलाफ एक हो चुका है। अपने दोस्त दानिश से कह दीजिएगा कि यह जंग उसने शुरू जरूर की थी, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। देखिए दबाव ज्यादा बढ़ा तो हम मजबूर हो जाएंगे। सर कोर्ट का ऑर्डर है, आप हमारी मजबूरी समझें। खुदा हाफिज। आपने तो सिर्फ मेरी हड्डियां तोड़ी, लेकिन आपका गुरूर मैं तोड़ूंगा। चलो आयशा। अब जल्दी रेत पर, अब जल्दी रेत पर। मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने कह दिया कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा तो मैं नहीं दूंगा। ठीक है सर, मैं जानता हूं आज आपका निकाह, लेकिन अगर आज ही जमानत हो जाए तो बेहतर है। सर ऊपर से बहुत दबाव है। हाँ मेरा एडवोकेट आ जाएगा आधे घंटे में, वो सारी जमानत के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेगा। ओके। देखिए दबाव ज्यादा बढ़ा तो हम मजबूर हो जाएंगे। सर कोर्ट का ऑर्डर है, आप हमारी मजबूरी समझें। खुदा हाफिज। हमें जमानत की कोई अरेंजमेंट करनी होगी। घर पर निकाह के फंक्शन के लिए दूर दूर से रिश्तेदार आके बैठे हुए, ये सब आज ही होना था क्या? बेफिक्र हो जाए, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? हर अखबार में ये खबर छपी हुई है, वहां टीवी वाले बार बार आयशा और उमर का बयान दिखा रहे हैं। रिश्तेदारों के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बदनामी मेरी हो रही है। लोग हमारे साथ पैसा इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं। ये मीडिया की खबरें, या आशा का बयान, उमर की वीडियो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मैं आपको बता दूं, हम अदालत से बाइज्जत बरी होंगे। ये केस हम जीतेंगे इंशाल्लाह। अदालत से तो बरी हो जाएंगे, लेकिन मैं नायला को कैसे यकीन दिलाऊंगा? मेरी बेटी मेरे खिलाफ हो गई है, मुझ पर नहीं शहरयार पर उसे यकीन और भरोसा है। आप समझें कि यह आखिरी हादसा है, इसके बाद शहरयार और आयशा का किस्सा खत्म। अरे आलिया बेटा क्या कर रही हो? खाना खाओ, चेंज करो। कितनी देर हो गई है, इतनी धूप में घूम रही, रुक जाओ। क्या कैसा है मेरा बेटा? माँ जी आप आई नहीं तो मैंने सोचा मैं खुद ही चक्कर लगा लूं। नाराज तो नहीं है कहीं मुझसे? मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अब आलिया चलो बेटा चेंज करो, खाना खाओ, चलो चलो आओ बैठते हैं अंदर आओ। दादा साहब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने अभी कागजात जमा करा दिए। 2 बजे लंच टाइम खत्म होगा तो जज साहब आपकी जमानत मंजूर कर लेंगे, फिर उसके बाद कोई भी पुलिस वाला आपको हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है हम इंतजार करें। जी सर आप कैंटीन में बैठ कर इंतजार करें, मैं जब तक बाकी की कार्रवाई कंप्लीट हो गया। आइए सुनो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ऐसे ज्यादा दर्द होगा, मैं तुम्हारे लिए वॉकर लेकर आती हूँ। मैं ठीक हूँ चलो। तुम कैसे चलोगे? अरे वाह अंकल देखो तो कौन आया। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने, कुछ तरस खाओ अपने। तरस तो मुझे नायला पे आता है, खुद पे नहीं। हड्डियां टूट गई तुम्हारी लेकिन अकड़ नहीं। आपने तो सिर्फ मेरी हड्डियां तोड़ी लेकिन आपका गुरूर मैं तोड़ूंगा। चलो आयशा। एक बार जमानत हो जाए फिर अपने हाथ से इसे बर्बाद करूंगा। शहरयार इतनी बेवकूफियां कर रहा है, तुम उसको रोक भी नहीं रहे हो। आयशा तो है ही जज्बाती, उसको तो इतनी बेवकूफियां नहीं करनी चाहिए ना। मेरी सुनता कहाँ है वो बाजी? तुम्हारी नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा था और तुम्हें पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी इसमें शामिल हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं बाजी? इकलौता बेटा है वो मेरा और आप जानती है मैं किस कयामत से गुजर रही हूँ। मुझे तो लगता है कि शहरयार ये सब ना आयशा के समझाने पर कर रहा है, यही वरना क्या जरूरत थी। तुम्हारा यही मसला है, बजाय परेशानी का हल निकालने के तुम दूसरों पे इल्जाम तराशियां शुरू कर देती हो। मुझे आयशा को तुम्हारी तरफ भेजना ही नहीं चाहिए था। आयशा ये सब कुछ नहीं कर रही है, तुम्हारा बेटा ये बेवकूफियां कर रहा है। मैं यहाँ अपनी बेइज्जती नहीं करवाने आई थी बाजी, मैं यहाँ इसलिए आई थी ये सोच के कि आप परेशान होंगी। जा रही हूँ। अरे रुको, चाय तो पीती जाओ, रखी हुई है। रहने दे आप चाय को, शुक्र करें माशाल्लाह से मैंने अपना गुस्सा पी लिया। मैं यहाँ बच्चों की फिक्र में आई थी, इल्जाम तराशी करने के लिए नहीं। और जिस तरह आपको आयशा से प्यार है ना, मुझे भी अपने शहरयार से बहुत प्यार है। मैं उसकी कोई बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना कभी पहले की थी और ना ही मैं अब करूँगी, है ना। और एक बात और, अब मैं अपने शहरयार का साथ जरूर दूंगी। इस लड़ाई में उसको तन्हा महसूस नहीं होने दूंगी। नायला बीबी जल्दी से टीवी ऑन करें, देखें कैसा अजाब आ गया, आपकी शादी पे तूफान खड़ा हो गया है। आप खबर मिली है कि अदालत ने मशहूर बिजनेसमैन दानिश और नादिर की जमानत की दरख्वास्त नामंजूर करते हुए फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है और पुलिस को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जमानत देकर बाहर आ जाऊंगा तो देख लूंगा। हमें तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं, तुम्हारे हर जुर्म की सजा मिलेगी तुम्हें। तो तुम्हारा मैं वो हशर करूंगी तो मुंह उठाने के काबिल नहीं। इतना मत करो, दो सिर्फ 2 दिन में जमानत लेकर बाहर आ जाऊंगा मैं। उसके बाद तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। चल। आपको क्या लगता है कि कब अदालत आपके हक में फैसला होगा? क्या सारे तमाम कागजात जमा हो गए? सारे कागजात जमा करा दिए गए हैं, लेकिन अब केस मैं नहीं, आयशा लड़ेंगे। आयशा मैडम, आप इस केस के बारे में क्या बताना चाहेंगी? अब सारे कागजात अदालत में ही पेश होंगे, लेकिन मैं उन औरतों से, उन माओं से कुछ कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी तरह किसी को खोया है। अपने आप को बेबस या कमजोर महसूस मत करें, उठें और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि अगर जाने वाले से इबरत हासिल नहीं होगी तो आने वाले के लिए इबरत बन भी नहीं सकती। बस बस और सवाल नहीं। क्या टाइम हो रहा है आप लोगों को? किस टाइम का कहा था? किस टाइम पे आप लोग पहुंच रहे हैं? अदर अरेंजमेंट का क्या हो गया? सिक्योरिटीज का, मेहंदी के सारे अरेंजमेंट्स, गाड़ी का डेकोरेट करवाना था, बहुत सारी चीजें थी। मैं आपको एक एक कॉल करके एक एक बना देता हूँ शीट्स कि कौन से किसको क्या करना है, राइट? ताकि सारी चीजें बचा के रखा हुआ है। एक तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, किसकी शादी हो रही है? यहाँ कोई शादी वादी नहीं हो रही है। चुपचाप खाना खाओ, निकलो यहाँ से सबके सब। क्या मतलब? क्या मतलब? यहाँ कोई शादी वादी नहीं हो रही, सुना सबने? मुझे नहीं करनी कोई शादी। पर बेटा क्यों? नादिर कहाँ है? आपके दोस्त हैं, आपको नहीं पता कहाँ है? अल्लाह का वास्ता, आप सब लोगों को मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, खाना खाइए और प्लीज चले जाइए। उन्हें कैसे पता चला? ओके। क्या? उन्हें पता चल गया कि उमर का बयान रिकॉर्ड करवाने में डीएसपी जमाल ने हमारी मदद की थी। उन्हें कैसे पता चला? जमाल के ड्राइवर ने एसपी के सामने मुंह खोल दिया। जमाल भी मुअत्तल हो चुका। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ जमाल ही हमें उमर से मिला सकता था और उमर के कागजात पे दस्तखत बहुत जरूरी है। एक तरीका है, जरा एटीएम की तरफ लो। सर आप फिक्री ना करें, बस 2 दिन हमारे मेहमान बने, मैं ऐसी रिपोर्ट तैयार करूंगा कि सब चक्कर खा जाएंगे। जो भी करना है जल्दी करो, मैं 2 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रुकूंगा। अरे सर 2 दिन में तो बहुत कुछ होगा। हाँ बोलो लाला बेटी। क्यों क्या आपने सर? बेटा ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। शहरियार आयशा की मदद से मुझसे बदला ले रहा है। कितना झूठ बोलेंगे आप डैड, कितना? जिस बाप के बेटी होने पे मुझे इतना फख्र था, आज उसी बाप की बेटी होने पे मुझे शर्म आ रही है, घिन आ रही है आपसे। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप किसी का मर्डर करेंगे, और वो भी प्रॉपर्टी के लिए। लैला, लैला मेरी बात सुनो बेटा। लैला, लैला बेटा। मैं आपका गुनाहगार हूँ, कि मैं सुकून से फांसी चढ़ सकूं। खुदा किसी काफिर को माफ कर सकता है, मगर मुनाफिक को नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो जी आ गई आपकी मम्मा। तो शैतान ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? अरे नहीं, बच्चे तो होते ही शरारती हैं बहन, लेकिन आपकी बेटी बहुत ज़हीन है माशाल्लाह, पढ़ाई में बहुत अच्छी है। जरा से पूछे तो ये बड़े होके बनना क्या चाहती है? हाँ भाई हाजरा बेटा, आप बड़े होके क्या बनोगी? मेरा मतलब है पायलट, डॉक्टर या कुछ और। कुछ भी? मिस आयशा। आयशा? जब हमने टीवी पर उसे इतने बड़े लोगों के खिलाफ खड़ा देखा तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये लड़की जरूर कुछ करेगी आगे जाकर। जी बस वो भाई मैंने तो अपने रिश्तेदारों को कह दिया कि मेरी बेटी आयशा के घर ट्यूशन पढ़ने जाती है, सब मिलने का इजहार कर रहे हैं। जी आपका अपना घर है, जब मर्जी चाहे आइए। नहीं, उनमें आयशा जैसा शहूर कहाँ है? आपको तो फख्र होता होगा ना उस पर। बस अल्लाह उसे कामयाब करे। खैर हम लोग चलते हैं। चलो बेटा। दरिया में कूदेगी तो फखर नहीं फिक्र होगी। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, मम्मी भी इंतजार करती होंगी। इससे पहले तो वो फोन कर लिया करती थी लेकिन अब तो वो भी नहीं करती। उन्हें तो खुश होना चाहिए, ये तुम्हारी वजह से शायद खालू के कातलों को सजा हुई, वो फाइनली जेल की सलाखों के पीछे है। अब उनको ये सब कहाँ पता है, उनसे ज्यादा तो आलिया को मालूम है। वो बस यही जानती है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो बहुत ही खतरनाक चीज है। मैं समझ सकता हूँ ना, लेकिन तुम उन्हें बता दो तो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। सुनो, तुम्हें अदालत में अर्जी देनी होगी। नादिर अंकल और दानिश की जो तशवीश कर रहा है पुलिस ऑफिसर, उसको चेंज करना होगा। वो सब मिले हुए उनके साथ। बाय। सच क्या है आप लोगों को यहाँ आकर आज पता चल गया होगा। मेरी आप मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि तस्दीक किए बगैर कोई खबर ना चलाया करें। सर आपको क्या लगता है कि अगली तारीख में भी अदालत आपके हक में फैसला देगी? देखिए अदालत जो है हक सुन के फैसला सुनाती है। हम सच्चे हैं इसलिए हम पे एतबार किया और हम जमानत पर रिहा हो गए। आज आप सच्चे हैं तो एडवोकेट आयशा ने अपने शौहर का कत्ल का इल्जाम आप पर क्यों लगाया? क्योंकि वो एक लालची औरत है। कानून की चार किताबें पढ़कर वो समझती है कि वो कानून को बेवकूफ़ बना सकती है और हमारी प्रॉपर्टी हथिया सकती है। मेरी आयशा भाभी से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर उन्हें पैसा चाहिए तो हमसे कह दें, हम उन्हें पैसा दे देंगे। आपको लगता है कि इस तरह केस वापस ले लेंगे? देखिए इसका जवाब तो वो आपको दे सकती है, आप उनसे जाके पूछें बस। अच्छा परेशान मत हो। कैसे परेशान मत हो? इस एक गवाह की तो निहात पे मैंने पूरा केस फिर से खुलवाया था, ये भी मुकर गया। जानता हूं मैं, ये लोग बहुत खतरनाक हैं और इस पेशे को हमसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर इस अदालत में नहीं तो उस अदालत में जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। सही कह रहे हो, सच ही जीतता है हमेशा और जीतेगा, यहाँ पे और वहां पे। हमें फैक्ट्री जाना होगा। फिर जिन बंदों ने शहरयार पर हमला किया था वो पकड़े गए हैं। ये कब से चल रहा है? क्या यही तुम्हारा ऐसा बीमार होना, चक्कर आना? और खाला मुझे बताई थी कि ये पहली दफा नहीं हुआ, 2-3 दफा पहले भी हो चुका है। सर सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? मैम दानिश साहब ने आपके खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या ये सब कुछ आप जायदाद की लालच में करेंगे? आपको गप्पा और वो झूठी साबित हो गई है। मैम आप कैसे इस बात का जवाब दें? मैडम मैडम अरे आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं नहीं डोंट वरी, विल सेलिब्रेट, पार्टी करते हैं। हाँ हाँ आप आए फिर पार्टी करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, अपना ख्याल रखें, ठीक है? देखो दानिश, जब तक ये केस खत्म नहीं होता तुम खुद को कंट्रोल में ही रखो तो बेहतर होगा। पर ये मीडिया के सामने मुंह खोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। अंकल मुझे लगता था कि शेर जो होता है ना वो शेर ही होता है, चाहे वो जंगल में हो या वो सर्कस के रिंग में। लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत था। दो चार डंडे क्या पड़े, पिंजरे की सलाखों ने शेर को बुज़दिल बना दिया और फिर शेर डंडे की डर से नाचना शुरू हो गया। मुझे लगता है आपके साथ यही हुआ है। क्या? कब? मैं भी आता हूं। क्या हुआ? हमें फैक्ट्री जाना होगा। फिर जिन बंदों ने शहरयार पर हमला किया था वो पकड़े गए और पुलिस भी फैक्ट्री पहुंच गई थी। हमें अभी जाना होगा, चलें। थैंक यू। ये कब से चल रहा है? क्या? यही तुम्हारा इसमें बीमार होना, चक्कर आना। और खाला मुझे बताई थी कि ये पहली दफा नहीं हुआ, 2-3 दफा पहले भी हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा? तुम अपना इलाज क्यों नहीं करा रहे? ऐसी बात नहीं, मेरी डॉक्टर से बात होती रहती है। हाँ, तुम्हारी वो डॉक्टर जो तुमसे भी कहीं ज्यादा लापरवाह है। तुम्हारे फोन से उसे मैंने कहीं फोन भी किए, मैसेजेस भी किए, लेकिन एक जवाब नहीं आया उसका। अच्छा ये बताओ, अम्मी और खाला है ना, किधर? वो गए आलिया को स्कूल से लेने के लिए। वैसे नाजिया खाला तो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी। अब पता नहीं वो तुम्हारी तबीयत को लेकर परेशान थी इसलिए नहीं जाना चाह रही थी, या फिर तुम्हें मेरे साथ अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी। ये जो बात है, शहरयार उमर ने अपना बयान क्यों बदल दिया और अब हम करेंगे क्या? तुम इसकी फिक्र छोड़ दो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। वकील साहब, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं केस को ऐसे ही छोड़ दूंगी तो गलत सोच रहे हो। मैं लड़ती रहूंगी। उफ ये लड़की, मैं इसे यहाँ पे आराम करने का कह रहा हूँ और ये केस लड़ने का कह रही है। अपने जहन को सुकून दो ताकि हम आने वाले फैसले सुकून से ले सकें, जल्दबाजी में नहीं। जानती हूँ, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, वो तो नजर आ ही रहा है। देखो, तुम यहाँ लाने का मकसद यही था कि तुम आराम कर सको। अपने घर होती ना तो सबूत इकट्ठे करने बाहर निकली होती है। ठीक है, तुम और कुछ नहीं सोचो और बस आराम करो। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा फोन तुम्हें वापस करूंगा तो ये तुम्हारी भूल है, समझे? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। सर, सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? जाओ तुम। अंकल, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? मैं आप पर आंच नहीं आने दूंगा और देख लेंगे उन पुलिस वालों को जो यहाँ आए थे, मेरा वादा है। तारिस, तुम जाओ। क्यों, क्या बात? आप मुझसे नाराज लग रहे हैं, मुझसे क्या गलती हो गई? गलती तो मुझसे हुई है दानिश, लालच के नशे में बहक गया। ना सिर्फ अपनी दौलत, शौहरत, इज्जत बल्कि अपनी इकलौती बेटी की खुशियां तक दांव पे लगा दी। अरे अंकल, कोर्ट की तारीख आने ने दें, सब ठीक हो जाएगा। मेरा वादा है मैं आपको एक बाइज्जत शहरी के तौर पे वहां से रिहा करवाऊंगा और आपको एक अच्छे शहरी होने का सर्टिफिकेट भी दिलवाऊंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। और जहां तक रही बात नायला की, तो आप उसकी खुशियों के बारे में फिक्र ना करें, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, कसम से। नायला का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अब उस पर जबरदस्ती करने की हिमाकत मुझसे नहीं होगी। मगर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अब तुम्हारा मेरा साथ सिर्फ उस वक्त तक है जब तक ये केस है। अब ना मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना चाहता हूं और ना ही कोई कारोबार करना चाहता हूं। मगर क्यों? ना सिर्फ मेरे पास तुम्हारे क्यों का कोई जवाब है, ना ही मेरी बेटी के पास। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर ये सब क्यों किया। तुम जा सकते हो। वकील साहब, इस बुड्ढे की बहुत इज्जत कर ली है। अब इस बात की सजा ना सिर्फ ये बल्कि इसकी बेटी भी देखेगी। नादिर अंकल की बकवास बर्दाश्त करते करते थक गया मैं। साला इश्क ने निकम्मा कर दिया है, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लीजिएगा दानिश साहब, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। उनके आदमी पकड़े गए हैं और हालात बहुत नाजुक हैं। वकील साहब, शायद अब मेरे दिल की हालत समझ नहीं रहे। मेरे सीने में इस वक्त एक आग जल रही है। मुझसे रिश्ता तोड़ने का मतलब है कि मेरे जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है। एक बात बताएं, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है या मैं मर जाता हूं तो इल्जाम किस पे आएगा? जाहिर सी बात है आयशा और उसके साथियों पर जाएगा, क्योंकि उनके पास वजह है कत्ल की। और अगर नादिर अंकल ही मर जाए तो भी जाहिर है शक। एक मिनट, दानिश साहब, आप करना क्या चाहते हैं? प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखिए। वकील साहब, नादिर अंकल के जो लोग पकड़े गए हैं, अगर उन्होंने अपना मुंह खोल दिया ना तो मैं फंस जाऊंगा। मुझे सजा हो सकती है। आपको सजा क्यों होगी? शहरयार पर हमले का समीर के कत्ल और उसकी प्रॉपर्टी से क्या ताल्लुक? मेरा मतलब है कि अगर अदालत में आयशा ये सब साबित करना चाहे तो कैसे करेगी? और फर्ज करें अगर वो अदालत में बयान दे भी देती है ना तो भी हम ये केस नहीं हारते, क्योंकि शहरयार पर हमला आपसी रंजिश की बिना पर हुआ था और उसका ताल्लुक नादिर साहब से है। उसमें यह साबित करना कि शहरयार पर हमला कत्ल के सबूत छुपाने की बिना पर हुआ था बहुत मुश्किल होगा। अगर ये नादिर अंकल फंसे ना तो हमें भी ले डूबेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा बस। इसके चांस है।